नमस्कार आप सभी को, फिर से हमारा चैनल को बहुत बहुत स्वागतम। तो आज आगे बढ़ते हैं हमारा एक नया ब्लॉग को लेकर, जो कि उड़ीसा का जल जीवन धारा को प्रभावित करता है, जो कि जीने का केंद्र है, वही के ऊपर आज का ब्लॉग है। आज का हमारा ब्लॉग था हीराकुद डैम, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, जिसका लेंथ अप्रोक्सीमेट 25.75 किलोमीटर। हम आज प्लान किए कि वो डैम को बहुत करीब से देखने के लिए। तो आज का हमारा ब्लॉग था हीराकुद डैम का स्पिलवे, जो कि जहां पानी निष्कासित होता है, बहुत क्लोज से हम देखने के लिए चले। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, और कुछ भी डिटेल जो हमको पता है, जो हीराकुद डैम के बारे में भी बोलते हैं, और कुछ हिस्ट्री जो ये बनने में कितना आदमी का कोई भी जान गवाया है, कोई उसका रिश्तेदार खोया है, कोई उसका गांव जमीन बहुत कुछ खोए हैं, उसका बारे में भी बोलते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हीराकुद डैम का कुछ जो अनकही बातें, जो कि अनटोल्ड स्टोरी जो बोलते हैं, उसको आपको कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो हरा भरा ग्रीनरी, कितना खाली खाली एरिया, ये एरिया में कितना गांव, कितना आदमी का घर, कितना रिश्तेदार, कितना कितना सब खोए हैं सब। आज एरिया में कोई भी आज नहीं है, फिलहाल बच गया है ये शिला राशि, और ये हीराकुद का जल बहने का जो रास्ता भी वो बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम और करीब से महसूस करेंगे। ये वीडियो में हम जो दिखा रहे हैं, जो सब खाली सा एरिया, जो इधर लोकल लोग बताते हैं, ये एरिया में कितना गांव था, कितना मंदिर था, कितना हमारा रिश्तेदार थे, सब हम खोए हैं। सिर्फ ये हमारा देश और हमारा उड़ीसा का सम्मान के लिए कि हीराकुद डैम बना। जैसा आप देख पा रहे हैं, हीराकुद डैम का ऊपर हिस्सा और नीचे हिस्सा में कुछ कुछ गेट आपको दिखने को मिल रहा होगा, जैसे कि वही गेट, टोटल गेट नंबर से हीराकुद डैम का 98 टोटल गेट, जैसे में 64 बोलते हैं स्लुइस गेट, और 34 नंबर उसको बोलते हैं क्रेस्ट गेट। जो नीचे वाला वो है स्लुइस गेट, जो कि 64 नंबर से, और ऊपर वाला को बोलते हैं 34 क्रेस्ट गेट। और 64 स्लुइस गेट का मतलब है मेन गेट का, जो पानी जब बढ़ जाता है, जैसे कि 630 फुट, जो कि टोटल उसका लिमिट है 630 फुट का ऊपर जाता है, तो हमको पानी निकालना पड़ता है। जब हमको न्यूज में आप देखे होंगे कि आज हीराकुद डैम का 30 गेट खोला, 4 गेट खोला, 2 गेट खोला, ऐसे करके खोलता है, तो मतलब 630 फुट से ऊपर हुआ तो हीराकुद डैम प्रशासन उसको पानी को निकालने के लिए मजबूत हो जाते हैं और उसको भी खोलते हैं। तो चलिए, ये तो बारे में आपको जानकारी हुआ, जैसे स्लॉस गेट क्या है और क्रेस्ट गेट क्या है, और पानी कैसे निकलता है। जैसे ये पानी निकलता है, आप लोग देख रहे होंगे, जो आसमान के नीचे पूरा खाली बंजर जैसा जमीन है, वो शिला राशि है, वो एरिया में पानी पूरा भर जाता है, और आसपास गांव को भी पानी पूरा चले जाता है। जैसे कि ये बारिश का दिन में, बारिश का सीजन में, जैसे ऊपर भाग, जैसे छत्तीसगढ़ से पानी आता है, तो हीराकुद का फ्लड लेवल बढ़ जाता है, उसके बाद हमको पानी निकलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, हम तो उधर गए थे, बहुत एंजॉय किए, और आपको ये ब्लॉग भी दिखाते हैं पूरा, आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए, टाइम होगा तो ज़रूर आइएगा इसको पूरा नज़दीक से देखने के लिए, और महसूस भी करेंगे कि ये जगह का हिस्ट्री क्या है, कैसे बना है। लोकल आदमी से कुछ मिलिए और पूछिए, रियल बताएं तो ये एरिया बहुत भी अच्छा भी है, देखने को एक रोमांटिक जगह भी जैसा लगता है। आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, एंजॉय भी कीजिए। ये शिला राशि और ये पानी, खुला आसमान और ये हरा भरा जो जगह है,
उसको एंजॉय कीजिए और थोड़ा भी महसूस कीजिए। हीराकुद डैम तो बन गया सच, इसका पीछे में कुछ राज जो है, कैसे बना है, कौन कौन क्या क्या खोया है, आज कैसे उन लोग जीते हैं, इसका बारे में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम बोलने से नहीं होता है, इसका पीछे का कारण कितना सक्रीफाइज, कितना कैसे क्या क्या बना है, कितना आदमी का भी जान भी गवाया है, वो सब भी आज भी हीराकुद डैम का भी इतिहास में भी रचित है। तो चलिए दोस्तों, आप ये ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए। देखिए हम लोग तो पूरा एंजॉय किए, हमको ऐसा फील हो रहा था, इधर जाने के लिए घर को नहीं जाने के लिए मन हो रहा था, फिर भी हमको जितना तक रहना था रहे, फिर भी हमको घर लौटना पड़ेगा। तो आप लोग जाना है तो एक लोकल रोड है जो कि डैम को जाता है, उसको हीराकुद होकर जाना पड़ेगा। तो आप आने के बाद हीराकुद को आप पूछ के, ये डैम के पास एक लोकल रोड है, उसको पूछते हुए आप जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। वाली सारे दिन ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिकर, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे, तेरी जुदाइयों में बरसे वो नैना भी, सागर मिलके जिनको रुला न पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाए, जितना भुलाना चाहा जितना भुलाना चाहा तुम याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना पाए। जिस रात आंखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं, जिस रात आंखें सोए सुकून से, वो रात आती क्यों नहीं, पिछले बरस तू बाहों से जा चुकी, वो दिल से जाती